तो दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पर झाझा में इस चोर को पकड़ा गया है और लाइव यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोस्तों बता दें कि इसे झाझा में इस चोर को पकड़ा गया है और बहुत ही ज्यादा लोगों ने इसकी जमकर पिटाई की है। और दोस्तों बता दें कि सभी गांव वालों ने मिलकर इसकी पिटाई करके उसके बाद प्रशासन को यह मामला सौंप दिया है। तो मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपके गाँव या आपके शहर में कोई भी भीख मांगने वाला आता है या कोई भी कबाड़ी वाला आता है तो आप उससे सावधान रहे और तुरंत यह सूचना प्रशासन को दे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा तेजी से यह खबर। नमस्ते प्रणाम। दोस्तों बता दें कि जैसा कि आपने अभी वीडियो के क्लिप को देखा, और दोस्तों बता दें कि यह झाझा में इस चोर को पकड़ा गया है, और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को आज से बाहर न जाने दें जब तक यह मामला पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता है, क्योंकि हमारे गांव और हमारे गांव-गांव में जो कि जिसको किडनी चोर कहा जा रहा है वो जा रहे हैं, और एक साधु के भेष में, एक भीख मांगने वाले के भेष में और कबाड़ी वाला बन करके ये गाँव में प्रवेश कर रहे हैं और बच्चों को चुरा करके उनके किडनी को बेच रहे हैं विदेशों में। तो प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को आप घर से बाहर न जाने दें, वरना बहुत ही ज़्यादा आगे दिक्कत हो सकती है। हमारी प्रशासन इसकी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इस वीडियो को फैला रही है चारों तरफ ताकि आप में संदेश पहुँचे। तो प्लीज़ अपने बच्चे को कहीं भी बाहर न जाने दें। और दोस्तों अगर आप लाइव इस चोर को देखना चाहती हैं तो मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चोर के वीडियो का पूरा लिंक दे दिया हूं। आप जा करके इस चोर को लाइव और कैसे वहां पर पुलिस पहुंची है और कैसे उस चोर को पकड़ कर ले गई है, आप उस वीडियो में सारा जानकारी देख सकते हैं। तो जाइए मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए और उस वीडियो को देख करके पूरा मामला आप समझ जाएंगे। धन्यवाद।